हरियाणा चतुर्थ कर्मचारी संघ के बैनर तले करनाल की मार्केट कमेटी से निकाले गए 22 कर्मचारी लगातार 84 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेके पर जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको नियमित करने की मांग की जा रही है। बता दें कि इन कर्मचारियों द्वारा पहले तो मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने काफी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया और अब ये करनाल के लघु सचिवालय के सामने लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिली भगत कर 15 साल से कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकालने का काम किया जा रहा है और अपने चहेते कर्मचारियों को लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बार बार मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते यहाँ पर सभी 22 कर्मचारी धरने पर बैठने को मजबूर है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पिछले दिनों लघु सचिवालय में बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन किया गया था और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें SDM करनाल ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांग पर गौर करते हुए जल्द से जल्द इस मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे मजबूर होकर कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठने को बेबस है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वह आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज कर देंगे। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े नेता भी उनके समर्थन में धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए। यहाँ आज 84वें दिन में जो हमारा धरना प्रवेश कर गया जी, 89 दिन तो हमने मार्केट कमेटी मंडी बोर्ड के कार्यालय के सामने धरना चलाया जी। अब यहाँ 22 तारीख से हम यहाँ लगातार धरना चला रहे हैं जी। 18 तारीख को हमने यहाँ प्रदर्शन किया था हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन ने संबंधित सर्व कर्मचारी संघ जी। तो यहाँ हमारी DC साहब से तो बातचीत नहीं हो पाई थी, DC साहब बाहर थे और हमारी जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है SDM साहब, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि भी मैं वहाँ जो आपका मंडी बोर्ड का चेक का सी है उससे बातचीत करके बताऊंगा, लेकिन आज तक चेयरमैन की तरफ से कोई भी हमारे पे कोई मैसेज नहीं आया कि भाई उन्होंने हाँ करी ना करी, इसलिए हम यहाँ अपने धरने बैठे हुए हैं जी। कब तक बैठे हैं? हम जब तक बैठे हैं जी, जब तक ये कर्मचारी बहाल नहीं हो जाते जी। क्यों उठाया गया इनको? इनको जी एक तन्ना सही रवैया अपनाते उठाया गया जी, क्योंकि उसने सेक्रेटरी ने और ठेकेदार ने मिली भगत करके इन अपने जो नज़दीकी आदमी है उनको काम पे रख लिया और इन साथियों को घर से बेघर कर दिया जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है, जिला प्रधान क्लास 4 यूनियन जी। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक